कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बाबा खामोश हो गए हैं, अब उनकी आहोबुका की आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दीना, लिया। जी बाबा, कोई काम था? अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी काम है। सब यहीं पर हैं बाबा। आपको उनसे क्या काम है? मुझे कहीं बिठा दो। मेरे साथ आइए दादा जान। बैठ जाइए बाबा, बैठ जाओ। तुम्हारे सारे भाई मौजूद हैं? जी बाबा, सब मौजूद हैं। खूब गौर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिस्र पहुंचे तो क्या वाकया पेश आया? आया ये तय नहीं पाया था कि एहतियात के साथ जाओगे और खामोशी के साथ वापस आओगे, फिर आखिर कैसे पकड़े गए? अजीज़ मिस्र ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे और बिलाखिर वो हमें पहचान ही गए। तुम लोगों से अजीज़ मिस्र का मिलने पर इतना मुसिर होना आखिर क्यों? जब हम भाई वहां पहुंचे तो वो निहायत मेहरबानी और मोहब्बत और तवाज़ु से पेश आए। बिलखुसूस वो बिन्यामीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। बाबा, खाने के वक्त भी हर कोई अपने माजाए के साथ बैठा, यानी अजीज़ मिस्र की ख्वाहिश थी। और बिन्यामीन अकेला रह गया तो अजीज़ मिस्र ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावुल किया। वो आपस में काफी देर सरगोशियां करते रहे। काफी देर, कभी हंसते तो कभी रोने लगते थे। अजीज़ मिस्र बिन्यामीन के साथ हंस और रो रहे थे? नहीं, सिर्फ बिन्यामीन रो रहा था। हमने उससे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराक में रो रहा है। महज चंद रोज की जुदाई पर रोना, वो भी रूबरू अजीज़ मिस्र, ये बात समझ में नहीं आती। सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा, और फिर अचानक बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया। मेरे लिए कलम, दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ। ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज़ मिस्र के रवैयों में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। जाओ और या तो अजीज़ मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहें भी तो क्या? ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादाजान, ये लीजिए। मैं अजीज़ मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूं। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो अस जानिबे बंदे खुदा याकूब, अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में, खुदावंदे सुभान ने हमेशा हम खानदान नबूवत तो रिसालत पर बलाएं नासिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके इवेज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम और दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी।
और दरहम और दिनार है नहीं। हाँ कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ कुछ खा ले और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के वस्तु वो हमें गंदम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ वाह क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। बिन्यामीन के लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार।